हौला टॉक्स विद अजीत सोमेश्वर मेरे साथ स्टूडियो में है और टैग टीवी की तरफ से एक हम ऐसा पॉडकास्ट शुरू कर रहे हैं जिसका फोकस है भारतीय धर्म, भारतीय सिविलाइजेशन। भारतीय धर्म और भारतीय सिविलाइजेशन की बात जब हो तो वो सिर्फ भारत की बात नहीं है, पूरे प्लैनेट की बात है, क्योंकि भारतीय पूरी प्लैनेट पे फैले हुए हैं। क्या उनके चैलेंजेस हैं, क्या उनकी सक्सेस है, क्या आगे उनके एम्बिशंस हैं, क्या उनकी एस्पिरेशंस हैं, क्या उनकी इंस्पिरेशंस हैं, ये सारी बातें हौला टॉक्स में अजीत सोमेश्वर जी किया करेंगे। मैं भी कभी कभी इनके साथ जुड़ा करूंगा, मगर आज चूंकि पहला पॉडकास्ट है तो मैंने चाहा कि मैं इस पॉडकास्ट का भी परिचय आप तक पहुँचाऊँ और अजीत भाई का भी परिचय आप तक वर्ल्ड वाइड लेवल पर पहुंचाऊं, क्योंकि टोरंटो में तो ये बहुत जाने पहचाने जाते हैं। स्वागत करता हूं जिनका पॉडकास्ट है हमारे स्टूडियो में, अजीत सोमेश्वर भाई। थैंक यू जी, थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने वक्त निकाला और शुरुआत जो है वो मुझे आपने एक तरह से ऑनर दिया कि मैं आपको पोक करूँ इससे पहले कि आप लोगों को आने वाले पॉडकास्ट में पोक किया करें। आप डेफिनेटली आप ट्राई किए पोक करने को, राइट? जो असर होगा सो असर होगा जी। तो ये जो नाम है हौला टॉक्स, ये आप ही का है? हाँ। ये क्यों है? आई गिव यू एन आंसर। मैं तो हौला कम्युनिटी का हूँ जी। दिस इज लाइक अ कम्युनिटी दैट्स कमिंग फ्रॉम नॉर्थ इंडिया, राइट, टू साउथ इंडिया, टू द परशुराम टेरिटरी एज इट वर। So we're all the Hola communities, which is a Kota Brahmin community. So, and Hola is also a, nowadays a modern kind of name. Hola, Hola. Yeah. Right? Everybody's hollering. So I thought Hola Talks will be an appropriate name for today's circumstance. आपने बात की in today's circumstances. Correct. So today's circumstances are quite complex. कुछ तो पंडित कहते हैं कि अब हम थर्ड न्यूक्लियर वॉर के दहाने पे खड़े हैं। विदाउट नोइंग। अच्छा, वो बातें तो आपके पॉडकास्ट में आने वाले दिनों में चलती रहेंगी। मैं आज के पॉडकास्ट में पहली जो दो एक बातें आपसे करना चाहता हूँ, आपका जो वर्ल्ड वाइड हम परिचय करवाना चाह रहे हैं, बिकॉज आप टोरंटो में तो ठीक ठाक तरीके से जाने जाते हैं, भारत में भी जाने जाते हैं, लेकिन जानने का जो प्रोसेस है वो एंडलेस है। आप भारतीय ओरिजिन के कैनेडियन बिजनेसमैन होने के नाते कब से कनाडा में हैं? कनाडा में अब तक क्या क्या आपने बड़े काम किए जिसकी बिना पर अब हम हौला टॉक्स की तरफ बढ़ रहे हैं? सबसे पहले मैं कहना चाहता हूं कि यू नो आई एम अ साउथ इंडियन बॉय हु गॉट मैरिड टू अ सिंधी, सो दिस इज लाइक अ ब्रूटल कॉम्बिनेशन, राइट, ऑफ द सिंधी बिजनेस माइंड and the erudite South Indian mind. So this is the combination that I came to Canada with. And I was successful when? As... I came in 1987. Okay. I was in England doing my CA from 1980 and then worked there for a few years in till 1987. 87, I left Her Majesty's country and came to Her Majesty's colony, right to Canada, and I worked here for KPMG, then I worked in a bank as a vice president, and then I started my own technology consulting business, and then through that I went into several other ventures including real estate and some funding high-tech companies and whatnot, and then decided through the course to give back something for the community and started growing the Indo-Canada Chamber of Commerce from 50 members to now God knows what, 3,000, 4,000. And then lately in the year 2004, 2005, I started the Canada-India Foundation, which is a group of what I would call affluential, which is a combination between affluent and influential. Right. So affluential, you know, Indo-Canadians who wanted to bring the relationship of Canada and India together and also see on a public policy level how do we progress the community as such. So that's what my background here is. Then I built a monument for the fallen Canadian soldiers, the first monument for the fallen Canadian soldiers. And then, of course, we did some philanthropy work with hospitals and whatnot.
But that's basically what we've done, is tried to look at it from a community or a Bharat. Now the new word is, tag word that I'm going to be using, right, is Bharatiya. Bharatiya. From the Bharatiya sense of the community, right, with the Sanatan Dharma, right, as the righteous path, right. So that's what I am. So I want to do this now. I'm getting old, you know, so I got to do something. नहीं, आपने इस तरह की बात की कि जैसे ये कोई रिटायरमेंट का प्रोजेक्ट होता है, मगर ये तो इटसेल्फ लाइफ लॉन्ग प्रोजेक्ट है. देयर इज नो रिटायरमेंट फॉर द विकेड, राइट, राइट. देयर इज ओनली न्यू आइडियाज एंड न्यू इम्प्लीमेंटेशंस. देयर इज नो रिटायरमेंट फॉर द विकेड, एंड आई थिंक आई एम विकेड. और बिजनेसमैन वैसे भी कभी रिटायर नहीं होता. एब्सोल्युटली, ये भी एक रियलिटी. yeah, आपने कैनेडियन फॉलन सोल्जर की बात की. एक पीस पार्क है रिचमंड हिल में, यहाँ हमारे टोरंटो के पास ही, जीटीए का हिस्सा है. उस पीस पार्क में गांधी जी का भी बहुत बड़ा स्टैच्यू है, और लॉर्ड हनुमान का भी एक बहुत बड़ा स्टैच्यू है, और वो विष्णु मंदिर की प्रेमिसेस पे है. करेक्ट. और भी वहाँ पे बहुत कुछ है. आपकी भी वहाँ पे तख्ती लगी हुई है, आपकी भी यादगारें हैं वहाँ पे. तो ये जो कनेक्टिविटी आपने बनाई पीस पार्क के साथ, और जब भी पीस पार्क रिचमंड हिल को हम गूगल करते हैं तो वो इंडियन कॉन्टेक्स्ट में ही निकलता है. तो कितना इम्पोर्टेंट है वो पीस पार्क? सी द आइडिया बिहाइंड, आई फर्स्ट टेल यू अबाउट द मॉन्यूमेंट, राइट, बिकॉज दैट इज माय सिंगुलर कंट्रीब्यूशन, एंड द पीस पार्क इज अ क्रिएशन अराउंड इट, राइट. सो द मॉन्यूमेंट वॉज एन आइडिया that I gave to the Museum of Hindu Civilization Committee, because they wanted to do something for the soldiers and just write names on a plaque. And I said, no, let's do a full-fledged monument, because this community owes a lot to those soldiers, to those boys, basically, who could even probably be drinking in a bar sometimes, at least in the US, definitely not. The age is 21. Go, and they're sacrificing their lives for us, so they die so that we can live in peace. So I said, we got to do something that is there forever, not a plaque. So I designed the monument and got it built. It took me a year and a half. And round the monument, then we said, there's the statue of Mahatma Gandhi too. So we said, there's a man of peace, and then there are peacekeepers. So let's make this a peace park. So that's the idea behind the monument and my contribution and the peace park. And then we added different, small elements to it to make it a park. 1987 में आपने बताया आप कनाडा आए. जैसे जैसे community grow करती रही, आप भी grow करते रहे. In terms of business, in terms of engagement, in terms of taking community forward to different levels. आपने ICC की बात की, आपने CIF की बात की, आपने इन बड़ी दो ऑर्गेनाइजेशंस में बहुत किरदार अदा किया. बिजनेस के कॉन्टेक्स्ट में हम भारतीय जो हैं बहुत जाने पहचाने और माने जाते हैं. हमारी जो स्पिरिचुअल अपनी लैंडिंग है इस धरती पे, वो भी ठीक ठाक है. हमारे मंदिर हैं हर जगह पे, और हमारे हिंदू धर्म को कूल के शब्दों में याद किया जाता है. अनटिल मोदी जी नहीं आए. मोदी जी के आने के बाद वेस्ट में एक्सट्रीम लेफ्ट का एक विरोध इकट्ठा हुआ. तो आप क्या समझते हैं कि हमारी कम्युनिटी आपके साथ साथ ग्रो की, आप उनके साथ साथ ग्रो किए, हमने मंदिर बनाए, अपने अच्छे जो हैं इम्प्रिंट्स वो यहाँ पे छोड़े, लेकिन पॉलिटिकल कैपिटल जो हमारा है वो अभी भी वीक लगता है, डिस्पाइट हमारे बहुत सारे MP और MPPs डिफरेंट प्रोविंसेस में हैं, मगर पॉलिटिकली हम बहुत शाये हैं. हम हिंदू का शब्द बढ़ते हुए शाये रहते हैं. अब देखिए फ्रेंकली, मैं अजीत भाई, मैं थोड़ी बात अपनी लंबी खींच रहा हूँ. टू मेनी क्वेश्चंस. नहीं, क्वेश्चन नहीं है, ये कन्वर्सेशन है आपकी और मेरी. ओके. अब आप देखिए कि इसमें मैं कोट अन कोट पाकिस्तानी बैकग्राउंड का ताहिर नाम का आदमी हूँ. मैं अपने आप को फखरिया भारतीय हिंदू कहलवाता हूँ. मुझे इसमें कोई शायनेस नहीं है. But it's not wrong either, factually. It is correct. That's why I. But why?
क्वेश्चन अब एक निकलता है हमारी कन्वर्सेशन से, बड़े नहीं है, ज्यादा क्वेश्चन नहीं है. क्वेश्चन अब इसमें से जो मेजर निकल रहा है मेरे लिए भी, आपके लिए भी और हमारे व्यूअर्स के लिए भी, वो क्वेश्चन ये है कि हम हिंदू, आप गौर कीजिए, मैं खुद को हम हिंदू कह रहा हूँ, फखर से कह रहा हूँ, हम हिंदू जब फखर से अपने आप को हम हिंदू कह सकते हैं, तो बहुत से हिंदुओं को ये दिक्कत क्यों है कि वो हिंदू अपने आप को कहलवाते हुए शर्मा जाते हैं या घबरा जाते हैं? Well, there's a two-pronged answer to this question in my mind. Yes. And this might not be the only answer because you can skin this cat every which way you want to. The first answer is that we have a terrible immediate past that we are living through. We've had, you know, 600-800 years of brutal Islamic rule that came from nowhere a couple of times, and some stayed back. The Mughals stayed back. Mostly from Central Asia. Yes, but mostly from Central Asia, right? And they ruled us, and we were Hindus, either converted or became serfs. Right. Right. So they have that slavish mentality still there, ingrained somewhere, and it's become part of the DNA. Then after that, you had the British, who are a master at colonizing, right, and of divide and ruling you. So they did their job. So basically this Hindu, right, who's divided by caste and stripe and community and whatnot, right, is looked upon himself as a serf. So now that we are getting back to what we were, right, the pre-Ashoka days, right, and the post conversion of Buddhism back to Hinduism on the Shankaracharya days, right? Now we are getting some glimpse into our old days of Rama and the Mahabharata and the Vedantic way as well. We're getting some understanding of that. We still don't have it. So, and the second part to that is that we are pretty much new in Canada, the Hindu community. It's not as old as the Sikh community is, or the other communities are, or were, or the Jewish community, for example. So we're relatively new, although our contribution is immense in the last 30 years, as you can see, right, in every field, you know, in whether we are, you know, contributing in terms of our commercial experience or technology experience or whatever, we're doing a good job. But it still has to mature a bit. And towards that effect, we created the organization, the affluential organization called Canada India Foundation, to develop the relationship as well as to give some kind of confirmation to our public policy discussion. So this is it. So it'll grow. But again, you know, Hindus believe in stairway to heaven, you know, all that gold, you know, glitters, and I'll be able to take my money with me to heaven. So that also has to calm down. The second, third generation will realize that we are Canadian, and you know, so they'll be more at ease with themselves being Hindus and being Canadians at the same time. That's my answer to it. No, I'm going to try to do that in my lifetime as much as possible. No, you already did. आपने बड़ी अच्छी conversation को आगे बढ़ाते हुए बात बताई कि हिंदू जो यहाँ कनाडा में है वो रिलेटिवली न्यू है. 87 में आप आए, उससे पहले भी डॉक्टर दुबे हैं जिनको भी ऑर्डर ऑफ कनाडा भी मिला, और भी लोग हैं. लेकिन ये भी देखिए कि हमारे जो सिख बहन भाई आए, वो भी तो हमारे सिख बहन भाइयों के डांडे भी तो हिंदुइज्म से ही मिलते हैं. हमारे जितने सिख ऑल सिख्स आर हिंदूज, जितने डजंट मीन ऑल हिंदूज आर सिख्स बिकॉज़ इज द रिवर्स डजंट वर्क. आई एम जस्ट टेलिंग यू द इन द गुरु ग्रंथ साहिब जी राम इज मेंशनड अबाउट 3000 टाइम्स और सो. सो एवरी पेज हैज देयर आर लेसर पेजेस देन द नंबर ऑफ टाइम्स राम इज मेंशनड. सो इट इज ऑल इट्स एन एवोल्यूशन ऑफ ऑफ हिंदूइज्म व्हिच इज नॉट नेसेसरली जस्ट व्यूड एज अ रिलीजन, इट्स आल्सो viewed as a Bharatiya way of life. Right, absolutely. देखिए, जितने हमारे गुरु हैं सिख गुरु, वो खत्री हैं. मैं खुद पंजाबी हूँ और मेरी अपनी लीनियज खत्रियों से है. हाँ, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल. और फिर हमने देखा
खास तौर पर भारत में जो पहला बड़ा बेटा होता था कोट ऑन कोट हिंदू फैमिली में उसको सरदार बनाया जाता था. करेक्ट. ठीक. तो वो कभी डिवाइड लाइन ही नहीं होती थी हिंदू और सिख के बीच में. बल्कि मुझे तो मैं जब भी भारत जाता हूँ तो मुझे कई ऐसी जगहों पे मैं जाता हूँ जहाँ पे मुझे डिवाइड लाइन इवन मुस्लिम और हिंदू में भी नज़र ज्यादा नहीं आती. बॉम्बे में मैं फील करता हूँ समटाइम. ठीक है, अब अनफॉर्चुनेटली रेडिकल हो रही हैं चीज़ें वक्त के साथ साथ, तो उससे ये फ़र्क पड़ रहा है. अब जो रेडिकल चीज़ें हो रही हैं उसकी वजह से जो अपने आप को हिंदू कहलवाने में गर्व फील करते हैं उनको हिंदू फोबिया भी फेस करना पड़ रहा है और कनाडा में ठीक ठाक फेस करना पड़ रहा है. The issue is really how the media views you, because through the lens of the media, the society views you. Right. So, if you go to a temple as a Hindu, you might be viewed as a right-wing Hindu. Right? Whereas if you go to a church or to a masjid, you'll be viewed as a pious Christian or Muslim. Right. So basically there is not much of an understanding of a non-Abrahamical religion, per se, or way of life, per se. It's viewed all as, you know, those damn pagans or whatever. So this is the issue, is that we are viewed in skeptical mindsets, right, for not necessarily conforming to their mindset. तो अब जो चैलेंज है खास तौर पर प्राइम मिनिस्टर मोदी जब से पावर में आए, इससे पहले हम हिंदुओं के कॉन्टेक्स्ट में ये समझा जाता बड़े ही कूल लोग हैं, जो एक हमारा एक्सप्रेशन है नॉर्थ अमेरिका का, यस यू वेरी कूल. लेकिन जब से प्राइम मिनिस्टर मोदी आए हैं तो एक पॉलिटिकल वेव चली है उनके खिलाफ, जिससे हिंदू का शब्द जहन में आते ही, आपने मीडिया की भी बात की, वो हिंदू नेशनलिस्ट, हिंदुत्व. अच्छा, हिंदुत्व भी पॉजिटिव है मेरे नज़दीक, तो उसमें तो कोई अब हिंदुत्व को उन्होंने इतना नेगेटिव कॉनोटेशन के साथ जोड़ दिया है. That's like if you're a follower of Islam, right? Getting a connotation that you are a Islamist, right? Although we know if you're a right-wing, follower of Islam, you're Islamist. Yeah. But if you're a follower of Hinduism, you become part of the negative connotation. Yeah, yeah. Even they have turned the Hindu terminology into a right-wing terminology into negative. टर्मिनोलॉजी. yeah, but... अच्छा, ये एक चैलेंज है. एज ए कम्युनिटी लीडर आप इसको कैसे कन्फ्रंट कर रहे हैं और करना चाहते हैं अपने टॉक शो में भी आने वाले दिनों में? सी द होल थिंग इज अबाउट बीइंग इन द सेंटर, राइट, एंड हिंदुइज्म बीइंग पार्ट ऑफ द सनातन धर्म, राइट, व्हिच इज यूनिवर्सल राइटियसनेस. धर्म डज नॉट बिलोंग टू one particular religion, right? It is just universal righteousness. What is right is right, and what is wrong. In the main, it is the same regardless of where you are in this earth, as long as you are a human being, right? Not to hurt somebody, right, is good, right? Hurting somebody is bad, right? But then there are terms of dharma. People go to war, right? They follow in their righteousness, the other people follow in their righteousness. That's okay. But what is righteousness is what dharma is all about. Now, for me to explain this is my task, to bring people round the center. Right? Right now, look at the United States. You know, you've got an extreme left, a woke left, which is also pandering to certain religions. Right, and also is being backed by the social media as well as the Hollywood media on one side. On the other side, you have Mid-America, right? You know, with bantered with right-wing political thinkers, right, and as well as
nationalists. So you've got the fight of these two extremes, and the middle is disappearing. So if somebody did an exercise on this, of cluster mapping, what the political thinking was 20 years ago, 25 years ago, to what it is now. You know, 25 years ago, there were a lot of people who were basing themselves differently on different issues. So the left would go a little bit right, the right would go a little bit left, you know, individually. But now, no. Now the right cluster is a separate cluster, the left cluster is a separate cluster. So there is a difference. And I'm saying in the middle, there is me, the realist. You know, the center. So let's build the center. So, and the center is where Dharma is, where righteousness is. So that's the work that I've got to go ahead and do, not just in Hinduism, in economics, in politics, in healthcare, in every issue. So this is not just a talk about, oh, let's just talk about religion alone. We're going to try and use righteousness in every discipline of our life as we grow from a child till we die. So those phases are going to be examined, right, in holotalks. बहुत अच्छे ढंग से आपने हमें बताया, हमारे व्यूज को बताया कि होलोटॉक्स का जो सेंट्रिस्ट पॉइंट है वो क्या होगा, क्योंकि होलोटॉक्स और आपकी अपनी पर्सनालिटी सेंट्रिस्ट है, बैलेंस्ड है, जिसका मकसद ये है कि रैशनैलिटी और इरैशनैलिटी में डिफरेंशिएट किया जाए और रैशनैलिटी के जो शेड्स हैं उनको आगे एडवांस किया जाए. ये दैट्स इन माय पर्सपेक्टिव. यस यस absolutely. And I can understand, जो भी आपके आने वाले दिनों में गेस्ट होंगे उनकी अपनी कोई ना कोई पोजिशनिंग होगी. एंड दैट्स हाउ द टॉक गोज, होलो टॉक्स. करेक्ट. लोगों की अटेंशन तभी बनती है जब थोड़ा सा उसमें डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू आता है. अब आप ये बताइए कि हमने पीछे पॉलिटिक्स की बात की, अब जब हम पॉलिटिक्स की बात करते हैं तो हम डिफरेंट कम्युनिटीज़ के पॉलिटिशियंस, कोई एमपीज़ हैं, कोई मिनिस्टर्स हैं, जैसे ज्यूश कम्युनिटी के हैं, वो कोई इशू होता है इज़राइल का, तो दे ऑल कम फॉरवर्ड. टॉकिंग अबाउट द पॉलिटिशियंस और द कम्युनिटी. मैं पॉलिटिशियंस की पहले बात कर रहा हूँ. अगर कोई ज्यूश कम्युनिटी के कोई लोग होंगे, चाहे वो एनडीपी से हो, अगर एमपी है या एमपीपी है किसी लेजिस्लेटिव असेंबली में, चाहे वो कंजर्वेटिव से हो चाहे लिबरल से हो, जब इसराइल पे बुरा वक्त आता है तो सभी एक साथ आगे आते हैं और इसराइल को डिफेंड करते हैं. यूक्रेनियन बैकग्राउंड के पॉलिटिशियंस भी ऐसा ही करते हैं, सिख बैकग्राउंड के पॉलिटिशियंस भी ऐसा ही करते हैं, मुस्लिम बैकग्राउंड के पॉलिटिशियंस भी ऐसा ही करते हैं, हमारी हिंदू बैकग्राउंड के एमपीज भी हैं, एमपीपीज भी हैं डिफरेंट लेजिस्लेटिव असेंबलीज में. दो एमपीज को मैं ऑलवेज अप्रिशिएट करता हूँ, कंजर्वेटिव के एक एमपी हैं, यंग हैं, शुभ मजुमदार, शुभ बात करते हैं, या लिबरल के एमपी हैं चंद्र आर्या, वो बात करते हैं. बाकी क्यों खामोश हो जाते हैं, बाकी क्यों नहीं सीखते? कौन है वो हिंदू? मैं अगर नाम लेना चाहूंगा तो वो नाराज हो जाएंगे. आपको भी उनके कुछ नामों का पता है, मुझे भी उनके नामों का पता है. हम जो जिनको हम अप्रिशिएट कर रहे हैं उनके तो नाम ले रहे हैं, जिनको हम अप्रिशिएट नहीं कर रहे उनके नाम नहीं ले रहे, इतने उनके साथ राइट बढ़ रहे हैं. लेकिन क्यों करते हैं ऐसा? This is going back to the non-cohesiveness of the Hindu, because the Hindus are pretty much disparate in their beliefs, in their culture, in their caste. So are they not rallying to the community, and what is the definition of the Hindu community? These are all issues. You'll find this even, where are all the Hindus in Toronto? They're all over the place. They're in Richmond Hill, they're in Union, they're in Scarborough, they're in Mississauga, they're in Yorkville. Over 1 million. Yes, but they're all spread fairly. They're not all in Mississauga. Right. They're not in Malton. Or they're not in Brampton. But if you take the Sikhs, they're in Brampton and Malton. You take the Muslims, they're in Mississauga and Milton or whatever.
You know, they're all in the pockets where the Hindus are spread all over, because there is this integration mentality of the Hindus to be all over. Right. So this is the non-cohesiveness of the Hindu per se, but it is going to get better. It is also a little bit of the naiveness of them thinking that other people are going to take care of them. Right? Right now, the politicians only want the affluent Hindus for their money. They know that they don't even go to vote. Right? Whereas the other communities, you know, do go to vote. Right? And they make a difference. The Hindus are busy in their professional careers or in their business or making money or in studying or whatever it is. And probably 25-30% of them vote. But when they ultimately realize that there are elements that are telling them, get out of the country, right? Or elements that are threatening to harm them, then they'll come back and say, hey, buddy, I'm a Hindu. You know, let me get some protection here. And they're going to go after those politicians. And there's a drive that's happening right now saying that if your politician does not support you as a Hindu, right? Especially during the desecration of the temples, then don't vote for that guy or that girl or that lady. Don't vote, because they're not protecting you. Your existence here could be a danger. Right? Who thought that the Jews would be punished for just existing in Europe and being all collectively driven down to a state now where even that state is tenuous? Who thought? The same thing could happen to any community anywhere. There's no guarantees. But you got to have some sense of cohesiveness. Some sense. You don't have to be. I mean, you can be part of the melting pot, right? Or part of this multi-whatever-dimensional society that we've got here, which I don't know whether it's a mosaic or whether it's a, you know, shades of something covering a canvas that is Anglophone and Francophone. I don't know that. But we have to get together. And they will. Aapne kaha ki they will. I will tell you one thing about that again. This is what everybody thought was very easy. The Hindus are pretty flexible, but they're also very tough. You know, all countries, pagan countries, were conquered by the Abrahamical invasions, you know, whether it's Christianity or whether it's Islam, you know, quickly. Iran was done in maybe 50 years, and the next country was done in, but when it came to India, they came, they ruled, and they left, but still a majority of India is still Hindus. Right. So you can sweep the carpet, but you can't sweep away the floor. The floor is Bharatiya. The floor is Indian. I'm living here as a Canadian, but my mother country, where I was born from, is India. So I still have that strong feeling here. But I'm also a strong Canadian. Right? So this is the dilemma that we all have, which we will deal with. Yeah, ye dilemma bhi hai aur ye ek reality bhi hai. Ke, we come from somewhere and then we become something different, but again we stay living in both identities, and there is nothing wrong in it as long as we are able to link both realities with each other. Correct. And we do that. Lekin ek yahan pe ek aur bhi bada important question hai. जो पीछे भी बात की, मैं थोड़ा सा आगे लेके जाता हूँ. यहाँ पे एक कॉन्फ्रेंस होती है, रिवाइवल ऑफ इस्लामिक स्पिरिट कॉन्फ्रेंस. मैं उनको अप्रिशिएट करता हूँ. वो 20,000 से 30,000 लोग इकट्ठे कर लेते हैं और लोग आते हैं, बहुत बड़े बड़े स्पीकर्स आते हैं. कुछ स्पीकर्स पे ऑब्जेक्शंस भी लगाती है सोसाइटी कि भाई ये कुछ LGBT कम्यूनिटी के ख़िलाफ़ बातें कर देते हैं. कुछ ये कहते हैं उन लोगों के बारे में, जी इनके पीछे मुस्लिम ब्रदरहुड है, जमात इस्लामी है, बट दे डोंट शाय फ्रॉम देयर रिवाइवल ऑफ इस्लामिक स्पिरिट.
When it comes to revival of Hindutva spirit or revival of Bhartiya Dharma spirit, Bhartiya Dharma bhi, jab hum ye terminology phrase use karte hain, to wo thoda sa sugar coated hai frankly. Hindutva bhi kehne mein mujhe koi dikkat nahi hai ki agar koi apne Muslim heritage pe wo gaurav feel karta hai to uska haq hai, lekin hum apne Hindu हेरिटेज पे गर्व क्यों नहीं कर सकते? क्यों हम ऐसी कॉन्फ्रेंस आज तक नहीं कर सके जिसमें 20,000 तो दूर की बात है, 1,000 बंदा भी आए और वो फख्र के साथ कहे कि हाँ हम हैं। अच्छा, अगर ज़रा सी कोई बात करेगा तो कहने कि ये आरएसएस के लोग हैं, हालांकि आरएसएस एक ऑर्गेनाइजेशन का नाम है जो भारत में है, लेकिन आरएसएस के साथ कोई इश्यूज तो नहीं है, वो कोई टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन थोड़ी है। Let me explain to you. I do not want to compare this to Islamic or Buddhist or whatever it is, but you're damn right that we do not have a conference on our roots. Right. And our root thinking. Right? So that is what is Hindutva in a definition that may be crude but is effective for the time being, right? So we do not have a conference on that, and we do not have the masses to support this, but we will. Okay, good. And the reason why we will is because it's needed. The second generation and third generation are going to forget their roots if they're not reminded of the cultural heritage that is in our DNA, right? So they gotta know, because the, like I said before I started the first awards, the Indo-Canada Chamber of Commerce Awards, I said it is not what you think about yourself. It is not your perception of yourself. It is the other's perception of you. So, to identify yourself as something spectacular, others have to believe that you are spectacular. And for that, you have to explain to them your heritage, your background, your collectivism, right? And that is what Hindutva and the conference that you're talking about is all about, of collecting these people, explaining to them who they are, asking the whatever community that surrounds you to also come and participate in it and enjoy it, right? There is no conversion needed here. Yes. So, you know, that's a very special feature of Dharma, that there is no enforcement. There is Dharma even amongst atheists. Yes. There is Dharma for communists. Right. They're all within this whole Sanatan Dharma, you know, explosion. Yes. Right? But it is right not to hurt somebody, kill somebody, not to, you know, to take care of elders. Even the communists, I hope, take care of the elders. Right. Right? There you go. अच्छा, हम देखते हैं, जैसे एक और मैं यहाँ पे ज़रूर पॉइंट रेज करना चाहूँगा, दो छोटी कम्युनिटीज़ हैं विद इन मुस्लिम कम्युनिटीज़, इस्माइली कम्युनिटी, उन्होंने इतना बड़ा आगा खान म्यूज़ियम बनाया, अहमदिया कम्युनिटी। अच्छा, इन दोनों कम्युनिटीज़ को जो मुस्लिम्स एट लार्ज हैं वो ठीक से मुसलमान भी नहीं मानते, वो कहते हैं ये दोनों मुसलमान नहीं। अब अहमदिया कम्युनिटी ने भी बहुत बढ़िया बढ़िया यहाँ पे इंस्टीट्यूशंस बनाए हुए हैं, सेंटर्स बनाए हुए हैं, और वो दोनों कम्युनिटीज़, छोटी कम्युनिटी होने के बावजूद, इस्लाम को प्रमोट करती हैं और उनके पास राइट है, वो दे शुड डू दैट। अच्छा, अब आप आगा खान म्यूज़ियम चले जाइए देखने, इतना बड़ा परफॉर्मिंग आर्ट्स का उनका ऑडिटोरियम है, एक नहीं शायद दो हैं, फिर उन्होंने एक इस्लामिक म्यूज़ियम भी बनाया हुआ है, तो हर बड़े से बड़ा पॉलिटिशियन इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर वहां जाने में गर्व महसूस करता है, हालांकि वो दोनों छोटी कम्युनिटीज हैं। क्या उनसे सीखते हुए कनाडा की एक बड़ी कम्युनिटी, हिंदू कम्युनिटी, जो सिर्फ जीटीए में एक रफ एस्टीमेट के मुताबिक 1 मिलियन से ज्यादा रहते हैं, भारतीय ओरिजिन के तो मोस्टली है ही है, गयाना, वेस्ट अफ्रीका, दुनिया भर से आए हुए यहाँ पे हिंदू हैं, इवन कॉन्वर्ट हिंदूज जो यहाँ की कोट अनकोट वाइट कम्युनिटीज में से है, मिनिमम 1 मिलियन हिंदू जो हैं वो जीटीए में रहते हैं, अक्रॉस कनाडा
1.5 to 2 million कहा जाता है हिंदू रहते होंगे, जस्ट इन अ पॉपुलेशन ऑफ 41 मिलियन कंट्री। तो इतनी बड़ी कम्युनिटी, इतनी छोटी छोटी कम्युनिटी से क्यों नहीं सीख सकी कि एक अपना हिंदू कल्चरल सेंटर बड़े लेवल का, जैसे आ खान का है वो है। आई थिंक द कंपैरिजन इज नॉट एप्ट, राइट, बिकॉज द आगा खान डज नॉट स्पीक फॉर द एंटायर इस्लामिक कम्युनिटी, इट इज अ सबसेक्ट right of Islamic community, not accepted in some parts of the world as Hindus, along with the Qadianis and the Ahmadiyyas, like you said, but still promoting their faith in their own way, right? But there are elements of the Hindu community like the BAPS people, right, or the other such communities, you know, they have fine temples. Or even some South Indian communities that I know of in the States, they have phenomenal temples in New Jersey and but whatnot. But there is nothing open for public. वो सिर्फ अपनी community के लिए है. Yeah, yeah. That's the same thing. So even the Aga Khan is open for the public. It is now open for the public. Mm-hmm. Again, with the Aga Khan community, I must say, hats off to them. Right, of course. You know, kudos to the Aga Khans. Oh yes. Kudos to the Jews for taking their community and bring it out to the world. Yes. Right? But Aga Khans, remember, a sizable contribution is made by that community on an annual basis. Right. To a charity or fund that is controlled by the Aga Khan and his committees, right? That is then reinvested back into the greater community of Canada or their own community. As Aga Khanis, right? And I've sat with them, and in fact, the whole awards business, right? I told them that unless you recognize your own, don't expect outsiders to recognize you. So that's why they started distributing awards, you know, to themselves after I started the Indo-Canadian Awards, the ICC Awards. Right. So they copied it, then the Sri Lankans copied it, everybody. Because the essence is you got to recognize yourself. Will we recognize ourselves as a Hindu group or have this massive Hindu establishment? I don't know. I don't think they've even done this in India. Right? So, I mean, they could have lovely monuments, but it always will be promoted by, well, I guess Ram Mandir is probably one such monument, which is done by the entire Hindu community together. But this might, it is a possibility. It'll come to fruition someday, because the disparateness of Hinduism and the fact that Hinduism is not as defined or say that, you know, Islam is I submit, you know, Hinduism is what do? You know, nobody knows, right? So it's different. It's a flowing cultural, amorphous society, right, that is clinging itself with some dharmas. That's what it is. Yeah, yeah. Dekhi, aapne baat ki ke you set a precedent of awarding prominent people through ICCC and CIF, aur phir uske baad resultantly other organizations sort of copied your idea and implemented within their organizations. We hope कि जो आगा खान वाले कर रहे हैं हम भी उनसे सीख के कॉपी करके अपनी ऑप्टिक्स बनाएं. करेक्ट. अपने अपने बड़े बड़े कल्चरल सेंटर बनाएं. आई एग्री, बट शाय फील ना करें. ठीक है. yeah, yeah. अच्छा, एक और एरिया है जिसमें हम पीछे हैं, वो है मीडिया का. वेन इट कम्स टू you know, projecting our narrative through international platforms, we are far behind. अब आप देखिए, कतरी हैं, एक छोटा सा देश है, अल जजीरा उनका है, वो ना सिर्फ कतरियों का रिप्रेजेंटेटिव है, पूरी मिल्लत इस्लामिया का रिप्रेजेंटेटिव टेलीविजन बन गया. टर्की ने भी अपना टेलीविजन, छोटा सा देश है भारत के मुकाबले में, उन्होंने भी लॉन्च इंटरनेशनल लेवल पे कर दिया. भारत
बॉलीवुड में मूवीज तो बहुत बड़े बड़े बजट की बनाता है, बहुत बड़ा देश है वो, ऑफ कोर्स वहाँ के बिजनेसमैन मूवीज में इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन मीडिया पे हमने हार्डली अभी रिसेंट ईयर्स में कुछ फर्स्ट पोस्ट पे या वियॉन पे कुछ इंटरनेशनल लेवल का थोड़ा थोड़ा कंटेंट देखना शुरू किया है, लेकिन हमें इस आइडिया को इस तरह फैलाना चाहिए कि न्यूयॉर्क में कोई चैनल हो, कैनेडा में जिसकी कोई ऑफशूट लोकेशन हो, इंग्लैंड में हो, कुछ इस तरह का काम हम आज तक नहीं कर सके। और मैं मीडिया में हूँ, मैं ये बात अजीत भाई बहुत से लोगों से करता हूँ, ऑनेस्टली बड़े बड़े बिग बिजनेसमैन से भी करता हूँ, पत्रकारों से भी करता हूँ, मुझे आज तक इसका आंसर नहीं मिल सका कि why are we so lacking, so much lacking of this expertise? Oh, you're absolutely right. You know, I think there was a lot of catch up for Indian media to do within India. So the last, I think, 25-30 years, the media awareness in India, or the television media awareness, right, is coming to a point where now they are thinking of the international market in a different way, not just in the NRI way, but also in an international way. So that's happening now. Some have succeeded a little bit, but there is no Al Jazeera in the works. But also, you know, glad you brought up the subject of Al Jazeera. Al Jazeera is trying to behave like the Switzerland of the Mideast, yes, when they are really not even recognized by the Saudis or the Emiratis, right, yeah, or the Kuwaitis, or yeah, whatever it is. But there's money power that talks, so yeah, they are making their effort of getting all, you know, British and other broadcasters to. Not only but that, they don't talk about Qatar as a country, yeah, yeah, right? They talk about every other country, including what's wrong in India, but they don't even talk about what's wrong with Qatar. I mean, that's different. You know, the interesting thing is not just Al Jazeera that takes care of, you know, their interests. Even Western media outlets such as BBC, CNN, ABC. Everything is polarized. You know, not just polarized. They speak on other communities' behalf, but none of those channels speak on Hindus' behalf. That is a big dilemma. Because we don't have a common ask. Our ask is disparate. Everything is, that's the whole thing of creating a cohesion through this dharma thinking, right? We think that there will be a consistent ask, right, for the people with that kind of background who can be identified from the outside, right? You know, when they say Hindus should go back to India, they're all identified. So Hindus here should understand that you are identifiable. So when you are identifiable, then you should have identifiable strengths, right? To diminish this, all Hindus go back to India. What does that mean? Right? Where are the guys saying no? Hindus are integral part of Canada, US, or whatever it is, right? And they will stay. And that's where I say that Hindus should not vote for people who don't have the spine to support Hindus, who are in the main passive, in the main most educated than average, in the main earn more money than the average, and in the main do not live their life on social security, right, and assistance. Right. So, Hola Talks. आज अजीत भाई आपके साथ इस पे अच्छी खासी बातचीत की, और आने वाले दिनों में कभी मैं आपके साथ अवेलेबल आपकी कन्वीनियंस के मुताबिक हुआ करूँगा, कभी आपके पास इतने गेस्ट खुद से हुआ करेंगे कि आप खुद ही उनके साथ टॉक को आगे बढ़ाया करेंगे। हमने पहला पॉडकास्ट तो मेरा ख्याल है लोगों को परिचय देने के लिए अच्छा खासा कर लिया। टू कंक्लूड आवर डिस्कशन टुडे, what else would you like to add on? Well, my stress is on
how the centrist or the realistic philosophy can be made to succeed, and how this polarization or the pendulum behavior, right, is avoided, and how us as Bharatiyas or Hindus in the broad denomination, right, how we can contribute to the learning of society at large. So all my talks would be around this, whether it's economy or politics or education or health or just beer banter, right? It's all going to be around this. And at the same time, we're going to have some fun and crack some jokes, right? Oh, and make it lively for people who listen, and not just turn off the TV and go to sleep. Fine. Thank you very much. Thank you for inviting me in your first show. Thank you. Thank you very much. So, viewers, you just watched the first episode of Hollow Talks with Ajit Someshwar. Ajit bhai, ye podcast on and off aapke saath share karte rahenge. Aur apne comments mein aap isko bataiyega ki kaisa chal raha hai ye podcast. Tag TV ke is waqt 407,000 views hain. And we are pretty confident ki zyada se zyada log dekhenge. Taaki Ajit bhai ka jo message hai Hollow Talks ke zariye wo bhi aage badhe. और जो भारतीय धर्म कम्युनिटी का मैसेज है वो भी साथ साथ आगे बढ़े, और ये सिर्फ और सिर्फ हमारा भारतीय धर्म का फोकस नहीं है, इंटरनेशनल इश्यूज भी इसमें आएंगे. जैसा अजीत भाई ने कहा, इसमें हल्की फुल्की गपशप भी होगी. हमारी कोशिश है कि जो कंटेम्प्रेरी इश्यूज हैं थ्रू द लेंस ऑफ भारतीय धार्मिक पीपल वो आप तक पहुंचे. आपकी पार्टिसिपेशन भी इसमें चाहिए होगी, और आने वाले दिनों में हम मोस्ट लाइकली इसको लाइव भी करेंगे ताकि डायरेक्ट आपके क्वेश्चन और आंसर्स ले सके. आज की बातचीत हॉलर टॉक्स में मेरे साथ और अजीत सोमेश्वर भाई के साथ, देखने सुनने का बहुत बहुत धन्यवाद. आप टैग टीवी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और इसी चैनल पर डोनेट के बटन को क्लिक करके आप हमें कॉन्ट्रीब्यूट भी कर सकते हैं.